सऊदी अरब सरकार ने रमजान महीने में उमराह को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के तहत रमजान के दौरान जायरीन सिर्फ एक बार ही उमराह कर सकते हैं। उसके अलावा सरकार ने उमराह के लिए तय समय सीमा पर भी बात की है। सऊदी सरकार के मुताबिक सभी हाजी उमराह के लिए नुसुक ऐप से परमिट जरूर जारी करवाएं। सरकार ने कहा है कि रमजान में दो बार उमराह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार की इस कदम का मकसद है कि रमजान के दौरान मक्का और मदीना में उमराह करने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को आसानी से उमराह करने की मौका मिले। सऊदी मंत्रालय के मुताबिक अब नुसुक ऐप के जरिए ही सऊदी के नागरिक और एक्टिव वीजा वाले विदेशी नागरिक को उमराह परमिट उपलब्ध रहेगा। ऐसे ही इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।